नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमा। देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एनिमा। देखो, एनिमा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टीलेशन। देखो, इंस्टीलेशन, देखिए डियर, मेरा मीनिंग इंस्टीलेशन का मतलब होता है कोई भी ड्रग लिक्विड फॉर्म में या कोई भी लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन हम लोग किसी बॉडी कैविटी के अंदर पुट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीलेशन। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टीलेशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, इंस्टीलेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन वो हो सकता है, इंस्टीलेशन हम लोग करेंगे। और वो कहां पे करेंगे, एनी सॉल्यूशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। इंस्टीलेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास पार्ट हो सकता है सिग्मोइड कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास कोलन पार्ट होगा सिग्मोइड कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिग्मोइड कोलन। और किसके थ्रू करेंगे, रेक्टम के थ्रू। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एनिमा, देन योर आंसर इज कि इंस्टीलेशन ऑफ एनी फ्लूड या एनी सॉल्यूशन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द रेक्टम। रेक्टम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी हम लोग सॉल्यूशन अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द एनिमा। अब देखो, आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर एनिमा। देखो, सिंपली हम लोगों से कोई पूछे कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ फॉर द एनिमा। देखो, एनिमा किसी भी सर्जरी से पहले बोवल को क्लीन करने के लिए हम लोग दे सकते हैं, बिफोर द सर्जरी। किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है सिंपली हार्डनिंग ऑफ द स्टूल। कॉन्स्टिपेशन हम लोग बोलेंगे हार्डनिंग ऑफ स्टूल। और उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं किसी पेशेंट को रेक्टल ट्यूमर है, रेक्टल ट्यूमर है, उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमा वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द एनिमा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है वो केसेस जहां पे हम लोगों को एनिमा नहीं देना। सबसे पहला केस आता है, दैट इज द अपेंडिसाइटिस। अगर एक पेशेंट आपके पास है और जिसको क्या है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में कभी भी हम लोग एनिमा यूज नहीं करते हैं। अगर अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के अंदर एनिमा यूज करेंगे तो वो पेन है वो वर्स होगा, और मे बी चांस कि अपेंडिक्स वहां पे क्या हो सकता है, रप्चर। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का केसेस है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का केस है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का केस है, उस केस के अंदर भी हम लोगों को क्या देखने में मिलेगा, सिंपली पेशेंट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस ऑलरेडी है, और अगर हम लोग एनिमा देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल वहां पे इंक्रीज हो सकता है। देखो, सिंपली हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमा हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लूड का इंस्टीलेशन हम लोग करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, स्पेशली इनटू द सिग्मोइड कोलन। और उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं इसका इंडिकेशन हमने पढ़ा और कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमा। देखो, टाइप्स ऑफ एनिमा, हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमा पढ़ने के लिए, देखो एक इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि बेसिकली एनिमा हम लोग थ्री टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक पर्पज, इवैक्यूएटेड एनिमा एंड रिटेन्ड एनिमा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दैट इज द डायग्नोस्टिक एनिमा। सबसे पहला टाइप आता है, दैट इज द डायग्नोस्टिक एनिमा। देखिए डियर, डायग्नोस्टिक एनिमा हम लोग किसी भी डायग्नोसिस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इस डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए जब हम लोग एनिमा यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरियम एनिमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरियम एनिमा। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए जो हम लोग एनिमा यूज करते हैं वो हम लोगों को बोलेंगे बेरियम एनिमा। अब ये जो बेरियम है, ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रास्ट मीडियम। बेरियम हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम। ये जो बेरियम है, ये हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट मीडियम प्रोवाइड करता है। तो कोई भी ब्लॉकेज होगा या कोई भी ओवरग्रोथ होगी, वो किसी भी हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी ब्लॉकेज होगा, कोई भी ब्लॉकेज होगा या कोई भी ओवरग्रोथ होगी, या तो कोई ब्लॉकेज या कोई भी ओवरग्रोथ होगी, उस ब्लॉकेज या ओवरग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्कोप। किसी भी स्कोप की हेल्प से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, किसी भी स्कोप की हेल्प से। अगर हमने बेरियम दिया तो बेरियम देख के हम लोग वो क्या होगा, एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम होगा, जिसमें अगर कोई ब्लॉकेज या ओवरग्रोथ हुई है उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनी स्कोप। दूसरा हमारा एनिमा का टाइप आता है, दैट इज द इवैक्यूएटेड एनिमा। दूसरा हमारे पास आता है इवैक्यूएटेड एनिमा। देखो, इवैक्यूएटेड एनिमा, इस इवैक्यूएटेड एनिमा को हम लोग फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है सिंपल एनिमा, एक आता है मेडिकेटेड एनिमा, एक आता है कोल्ड एनिमा। थ्री टाइप्स में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल एनिमा, एक हमारे पास होता है मेडिकेटेड एनिमा, एक हमारे पास होता है इसके अंदर कोल्ड एनिमा।
सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड। देखो सिंपल एनिमा हमारे पास होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्लींजिंग एनिमा। सिंपल एनिमा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लींजिंग एनिमा। सिंपल एनिमा इज ऑल्सो नोन एज दी क्लींजिंग एनिमा। इस क्लींजिंग एनिमा को हम लोग यूज करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन को अगर हम लोगों को ट्रीट करना है, या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है या लोअर बोवल की क्लीनिंग करनी है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है, अगर किसी पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन है उस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है, या लोअर बोवल की क्लीनिंग करनी है, लोअर बोवल है उस लोअर बोवल को क्लीन करना है, तब हम लोग कौन सा क्लीनिंग एनिमा या सिंपल एनिमा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो सॉल्यूशन की हम लोग बात करें कि कौन कौन से सॉल्यूशन हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन यूज कर सकते हैं, टैप वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन यूज कर सकते हैं, टैप वाटर यूज कर सकते हैं, सॉप एंड जेली हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास होगा सिंपल एनिमा से रिलेटेड। देन हमारे पास आता है दैट इज द मेडिकेटेड एनिमा। देखो मेडिकेटेड एनिमा को फर्दर हम लोग बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर आता है ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा के अंदर स्पेशली हम लोग ऑयल यूज करते हैं, दैट इज द ऑयल ऑयल ऑलिव ऑयल। देन उसके बाद आता है परगेटिव एनिमा। देखो डियर परगेटिव एनिमा का मतलब है, परगेटिव एनिमा को हम लोग बोलते हैं 1-2-3 एनिमा। 1-2-3 एनिमा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट्स होंगे मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ग्लिसरीन होगा और वाटर होगा, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है 30:60:90, तो 1:2:2:3 1-2-3 एनिमा भी हम लोग परगेटिव एनिमा को बोलते हैं। देन आता है एंथेलमिनेटिक एनिमा। एंथेलमिनेटिक एनिमा, एंथेलमिनेटिक एनिमा हम लोग यूज कर सकते हैं। देन एस्ट्रिजेंट एनिमा, एस्ट्रिजेंट एनिमा, एस्ट्रिजेंट एनिमा हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लामेशन की कंडीशन को हम लोगों को ट्रीट करने के लिए। देन आता है कार्मिनेटिव एनिमा। देखो कार्मिनेटिव एनिमा है तो अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्मिनेटिव गैस प्रोडक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्मिनेटिव एनिमा। तो हमारे पास मेडिकेटेड एनिमा के अंदर हमारे पास बेसिकली हमने 5 टाइप्स पढ़े। देन कोल्ड एनिमा, अगर किसी पेशेंट को फीवर की कंडीशन है उस फीवर की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सा एनिमा यूज करते हैं? कोल्ड एनिमा। तीसरा टाइप यहां पे बता देता हूं, उसके बाद मैंने डायग्नोस्टिक वाला एक्सप्लेन कर दिया। फिर से हम लोग इवैक्यूएटेड एनिमा, मैंने इवैक्यूएटेड एनिमा के अंदर सिंपल एनिमा एक्सप्लेन कर दिया। मेडिकेटेड और कोल्ड एनिमा को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट कोल्ड को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कोल्ड एनिमा हम लोग फीवर के केस में यूज करते हैं। अब एक थर्ड वन टाइप का जो एनिमा हमारे पास बचता है, सिंपल डायग्नोस्टिक एनिमा, इवैक्यूएटेड एनिमा और थर्ड वन टाइप का एनिमा हमारे पास होता है, दैट इज द रिटेंड एनिमा। रिटेंड एनिमा, इसके अंदर क्या होगा? जो फ्लूइड हम लोग देंगे वो रिटेन करेगा, फ्लूड हम लोग देंगे वो फ्लूड यहाँ पे क्या करेगा? रिटेन करेगा। रिटेन एनिमा के अंदर अगर हमसे आप कोई पूछे कि रिटेन एनिमा कितने टाइप का होता है, तो ये भी कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। ये भी कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हो सेसाइन। क्या रख सकते हो? सेसाइन। फर्स्ट एस का मतलब होगा स्टिमुलेंट एनिमा। फर्स्ट का मतलब क्या होगा? स्टिमुलेंट। ई का मतलब होगा इमोलियंट। इस ई का मतलब होगा इमोलियंट। इस एस का मतलब होगा स्टिमुलेंट हो गया, इमोलियंट हो गया, सेडेटिव। स्टिमुलेंट, इमोलियंट, सेडेटिव, एनेस्थेटिक। और एन इज रिलेटेड टू न्यूट्रिटिव। देखो अभी मैंने क्लासिफिकेशन बताया सिर्फ, एस इज स्टिमुलेंट एनिमा, इमोलियंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, एस एनेस्थेटिक एनिमा and n is related to the nutritive anima। अगर आपसे कोई basically पूछे कि what are the types of anima, तब हम लोगों को answer करना है 3 types of anima होगा। First one is the diagnostic anima, second one हमने पढ़ा that is the evacuated anima, third one हमने पढ़ा that is the retained anima। evacuated anima को further हम लोग 3 types में classify कर सकते हैं, that is the simple anima, medicated anima and cold anima। medicated anima हमारे पास होगा 6 types का, that is the oil anima, purgative anima, एंथेलमिनेटिक एनिमा, एस्ट्रोजन एनिमा एंड कार्मिनेटिव एनिमा। और रिटेन एनिमा को हम लोग 5 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज द स्टिमुलेंट एनिमा, इमोलियंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, एनेस्थेटिक एनिमा एंड न्यूट्रिटिव एनिमा। हमने फर्स्ट डायग्नोस्टिक टाइप पढ़ लिया था, अब सेकंड वन टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इवैक्यूएटेड एनिमा। इवैक्यूएटेड एनिमा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस इवैक्यूएटेड एनिमा के अंदर मैंने आपको बताया कि इवैक्यूएटेड एनिमा हमारे पास 3 टाइप्स का होगा। इवैक्यूएटेड एनिमा हमारे पास कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का। इवैक्यूएटेड एनिमा हमारे पास कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स का। सिंपल है, मेडिकेटेड है और कोल्ड है। सिंपल एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा एंड कोल्ड एनिमा। सिंपल एनिमा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिकेटेड एनिमा। देखो इवैक्यूएटेड एनिमा पढ़ रहे हैं हम लोग। इवैक्यूएटेड एनिमा, इवैक्यूएटेड, इस इवैक्यूएटेड एनिमा से रिलेटेड अगर मैं आपसे बताऊं
तो इवाक्यूटेड एनिमा हमारे पास सिक्स टाइप्स का हो सकता है। इवाक्यूटेड एनिमा के अंदर फर्स्ट वन टाइप आता है ऑयल एनिमा, सबसे पहला टाइप आता है दैट इज द ऑयल एनिमा। सबसे पहला इवाक्यूटेड एनिमा थ्री टाइप्स का हमने पढ़ा, इसके अंदर सिंपल पढ़ लिया हमने, मेडिकेटेड पढ़ लिया और दैट इज द कोल्ड एनिमा। तो हम लोग सेकेंड वन टाइप इसका पढ़ते हैं दैट इज द मेडिकेटेड एनिमा। इस मेडिकेटेड का फर्स्ट वन टाइप आता है दैट इज द ऑयल एनिमा। मेडिकेटेड का फर्स्ट वन टाइप है दैट इज द ऑयल एनिमा। अब देखो इस ऑयल एनिमा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव एनिमा। ऑयल एनिमा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैक्सेटिव एनिमा। ऑयल एनिमा इज ऑल्सो नोन एज द लैक्सेटिव एनिमा हम लोग बोल सकते हैं। और इसका यूज हमारे पास क्या होगा कि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, अगर किसी पर्सन के अंदर स्टूल को सॉफ्ट हम लोगों को करना है तब हम लोग जो एनिमा यूज करेंगे दैट इज द ऑयल एनिमा। और ये ऑयल एनिमा मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज किसके अंदर करते हैं, चाइल्ड के अंदर। मोस्ट कॉमनली यूज किसके अंदर करेंगे, चाइल्ड के अंदर हम लोग यूज करेंगे। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम लोग काम में लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ऑयल एनिमा के अंदर सॉल्यूशन कौन सा काम में लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं हम लोग और कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं और कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो दैट इज द 2:1। इट्स ऑल अबाउट द ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा के बाद में सेकंड वन आता है दैट इज द पर्गेटिव एनिमा। सेकंड वन हमारे पास होता है पर्गेटिव एनिमा। इस पर्गेटिव एनिमा से रिलेटेड मैं बोलूं तो अगर कोई एनिमा मोस्ट कॉमनली अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज किया जाता है, पर्गेटिव एनिमा मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर या क्लिनिकल सेटिंग के अंदर मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला एनिमा हमारे कौन सा होगा, पर्गेटिव एनिमा। इस पर्गेटिव एनिमा के अंदर सॉल्यूशन की बात करें कि कौन कौन से सॉल्यूशन हम लोग काम में लेते हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग काम में लेते हैं, यहाँ पे प्योर ग्लिसरीन हम लोग काम में ले सकते हैं, प्योर ग्लिसरीन हम लोग काम में लेते हैं और वाटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। प्योर ग्लिसरीन हमारे पास होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, वाटर होगा और वाटर के साथ हम लोग ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं, वाटर प्लस ग्लिसरीन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो इसको 1-2-3 एनिमा, पर्गेटिव एनिमा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1-2-3 एनिमा। पर्गेटिव एनिमा इज ऑल्सो नोन एज 1-2-3 एनिमा। व्हाई इट इज नोन एज 1-2-3 एनिमा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लिसरीन और वाटर। मैग्नीशियम सल्फेट यहां पे हम लोग लेते हैं 30 ml, ग्लिसरीन हम लोग लेते हैं 60 ml और वाटर हम लोग लेते हैं 90 ml। अगर इसका रेशियो देखोगे तो 1:2, 2:3। अगर आपसे पूछे कि 1-2-3 एनिमा किसको बोलते हैं तब आपका आंसर क्या जाएगा, पर्गेटिव एनिमा को। देन उसके बाद में हमारे पास आता है थर्ड वन दैट इज द एस्ट्रिजेंट एनिमा। एस्ट्रिजेंट एनिमा थर्ड वन टाइप आता है दैट इज द एस्ट्रिजेंट एनिमा। इस एस्ट्रिजेंट एनिमा को हम लोग बोलते हैं एंटी इंफ्लामेटरी एनिमा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी एनिमा। एंटी इंफ्लामेटरी एनिमा वो एनिमा जो इंफ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिजेंट एनिमा। अगर अगर सिंपली हम लोग बोले कि इंफ्लामेशन को लोअर बाउल के अंदर कोई ब्लीडिंग हुई हो, लोअर बाउल के अंदर अगर लोअर बाउल के अंदर कोई ब्लीडिंग हुई हो या लोअर बाउल के अंदर कोई इंफ्लामेशन हुई हो, लोअर बाउल के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हुई हो या लोअर बाउल के अंदर कोई ब्लीडिंग हुई हो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम लोग एनिमा यूज करते हैं दैट इज द एस्ट्रिजेंट एनिमा। अगर इसके सॉल्यूशन आपसे पूछे कि कौन कौन से सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं एंड टैनमिक एसिड हम लोग काम में लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट होगा वो भी 1% होगा और टैनमिक एसिड वो भी यहाँ पे कितना परसेंट होता है, 1%। सिल्वर नाइट्रेट और टैनमिक एसिड हम लोग काम में लेते हैं। कुछ कुछ जगह पे हम लोग एलम जो फिटकड़ी हमारी है एलम उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इवाक्यूटेड एनिमा, इवाक्यूटेड एनिमा के अंदर हम सिंपल एनिमा पढ़ा। सेकंड वन आता है मेडिकेटेड एनिमा। इस मेडिकेटेड एनिमा के अंदर हमने पढ़ा ऑयल एनिमा, पर्गेटिव एनिमा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1-2-3 एनिमा हम लोग किसको बोलते हैं। देन हमने पढ़ा एस्ट्रिजेंट एनिमा जो हम लोगों के पास क्या होगा, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग काम में लेंगे। देन उसके बाद में इसका फोर्थ वन टाइप आता है दैट इज द एंथेलमिनेटिक एनिमा। फोर्थ वन टाइप आता है हमारा That is the enthalmintic anima. जो enthalmintic anima क्या करता है? जो intestine के अंदर worms है, उनको kill करने का काम करता है। Intestine के अंदर जो worms infestation है, उसको treat करने के लिए हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं। That is the enthalmintic anima. Enthalmintic
मिनेटिक एनिमा, एंथेलमिनेटिक। देखो एंथेलमिनेटिक एनिमा का मतलब है कि जो हमारी बॉडी के अंदर, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंडीशंस हमारे पास अराइज हो रही है, मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे बताया कि जो इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म इन्फेस्टेशन है, वॉर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए, वॉर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए जो हम लोग एनिमा काम लेते हैं, दैट इज द एंथेलमिनेटिक एनिमा। और इस एंथेलमिनेटिक एनिमा के अंदर सॉल्यूशन हम लोग क्या काम लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सॉल्यूशन आपसे कोई पूछे तो सॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड के साथ हम लोग क्या काम में लेंगे, वाटर। देखो सोडियम क्लोराइड यहां पे हम लोग लेते हैं 60 ग्राम और वाटर हम लोग लेते हैं 600 ml, 60 ग्राम एंड 600 ml। तो यहां पे जो रेशियो होगा दैट इज द 1:10, 1:10 में हम लोग काम में लेते हैं। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा होगा, इट्स द फोर्थ टाइप, दैट इज द एंथेलमिनेटिक एनिमा। फिफ्थ वन टाइप आता है दैट इज द कार्बिनेटिव एनिमा, फिफ्थ वन टाइप आता है हमारे पास कार्बिनेटिव एनिमा, कार्बिनेटिव एनिमा। देखो गैसियस प्रोडक्शन, अगर गैसियस प्रोडक्शन है या हम लोग बोले एंटी स्पास्मोडिक एनिमा, एंटी स्पास्मोडिक एनिमा। अगर आपसे पूछे कि एंटी स्पास्मोडिक एनिमा हम लोग किसको बोलते हैं, दैट इज द कार्बिनेटिव एनिमा। इस कार्बिनेटिव एनिमा का यूज क्या है कि एक तो फ्लेटस, अगर फ्लेटस है या गैस है उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग काम में ले सकते हैं। दूसरा अगर गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन, उस गैसियस डिस्टेंशन को ट्रीट करने के लिए, फ्लेटस को रिमूव करने के लिए, यहां पे जो हम लोग सॉल्यूशन काम में लेंगे दैट सॉल्यूशन इज द टर्पेंटाइन ऑयल। सॉल्यूशन हम लोग काम में लेंगे टर्पेंटाइन ऑयल, सॉल्यूशन हम लोग काम में लेंगे दैट इज द टर्पेंटाइन ऑयल। ये था हमारे पास मेडिकेटेड एनिमा के 5 types। और इस इवेपोरेटेड एनिमा का लास्ट वन टाइप आता है दैट इज द कोल्ड एनिमा, दैट इज द कोल्ड एनिमा। देखो इवेपोरेटेड एनिमा के अंदर हमने फर्स्ट वन पढ़ा सिंपल एनिमा, सेकंड वन हमने पढ़ा मेडिकेटेड एनिमा, थर्ड वन हम लोग पढ़ रहे हैं कोल्ड एनिमा। सिंपली हम लोग कोल्ड एनिमा से रिलेटेड बोल सकते हैं, कोल्ड एनिमा इज ऑल्सो नोन एज द आइस एनिमा। कोल्ड एनिमा को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस एनिमा। और इसको हम लोग किसके अंदर काम में लेते हैं, जो फीवर के केस है, फीवर या हाइपरथर्मिया का केस है, फीवर या हाइपरथर्मिया के केस के अंदर हम लोग जो एनिमा काम में लेंगे दैट इज द कोल्ड एनिमा। तो सबसे पहले हमने डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए डायग्नोस्टिक एनिमा पढ़ा, सेकंड वन हमने पढ़ा इवाकुटेड एनिमा, और थर्ड वन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द रिटेंड एनिमा। थर्ड वन हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, रिटेंड एनिमा या रिटेंशन एनिमा। अब ये रिटेंड एनिमा पढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इवाकुटेड एनिमा एंड रिटेंड एनिमा। हम लोग पढ़ेंगे अभी थर्ड वन टाइप दैट इज द रिटेंड एनिमा। देखो रिटेंड एनिमा के अंदर क्या होगा, जो फ्लूड है वो रिटेन करेगा 2 to 3 hours तक के, या 1 to 2 hours तक के रिटेन करेगा। ये जो बेसिक डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। थर्ड वन टाइप आता है दैट इज द रिटेंड एनिमा या रिटेंशन एनिमा, रिटेंशन एनिमा, रिटेंशन एनिमा। देखो रिटेंशन एनिमा 5 types का हमने पढ़ा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी दैट इज द सेसा एन, मैंने ट्रिक बताई थी सेसा एन। सेसा का मतलब है स्टिमुलेंट, एस का मतलब है स्टिमुलेंट, ई सेसा एन, एन हमारे पास है न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव एनिमा, ई इज रिलेटेड टू द इमोलियंट एनिमा, इमोलियंट, इमोलियंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, सब क्या कि ई लिख देता हूं मैं एनिमा, एंड एनेस्थेटिक एनिमा। 5 types का हमारे पास रिटेंशन एनिमा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टिमुलेंट एनिमा। देखो स्टिमुलेंट एनिमा के अंदर क्या होगा, किसी पर्सन, कोई पर्सन शौक के अंदर है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो हम लोग एनिमा एक काम में लेंगे दैट इज द स्टिमुलेंट एनिमा। या किसी पर्सन ने पॉइजन का कंजप्शन किया है तब हम लोग, यहां पे अगर आपसे पूछे कि सॉल्यूशन कौन सा यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ब्लैक कॉफी हम लोग सॉल्यूशन यूज करेंगे। कौन सा, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देन आता है हमारे पास दैट इज द इमोलेंट एनिमा। देखो इमोलेंट एनिमा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर हम लोगों को सॉफ्ट करना है, म्यूकस मेम्ब्रेन को सॉफ्ट करना है, म्यूकस मेम्ब्रेन को सॉफ्ट करना है या लोअर जो बोवल है उसको सॉफ्ट करना है तब हम लोग काम में लेते हैं। और सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे दैट इज द ओपियम एंड स्टार्च, ओपियम एंड स्टार्च हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज द सेडेटिव एनिमा। देखो सेडेटिव एनिमा का मतलब है कि कोई भी हम लोगों को सेडेटिव ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी है, सेडेटिव ड्रग्स, अगर सेडेटिव ड्रग्स हम लोगों को एडमिनिस्टर करनी है तब हम लोग एनिमा काम में लेते हैं दैट इज द सेडेटिव एनिमा। और इसके अंदर सॉल्यूशन हम लोग काम में लेते हैं दैट इज द पोटेशियम ब्रोमाइड,
पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन हम लोग कहां मिलेंगे, दैट इज द पोटेशियम ब्रोमाइड। एनेस्थेटिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एनेस्थेटिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए, एनेस्थेटिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए जो हम लोग एनिमा हम लोग कहां मिलेंगे, दैट इज द एनेस्थेटिक एनिमा। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम लोग कहां मिलेंगे, दैट इज दैट सॉल्यूशन इज द एवर्टीन। सॉल्यूशन हम लोग क्या कहां मिलेंगे, एवर्टीन। देन लास्ट वन टाइप का आता है, दैट इज द न्यूट्रिटिव एनिमा। न्यूट्रिटिव एनिमा किसके लिए कहां मिलेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन का सॉल्यूशन हम लोग कहां ले सकते हैं, हम लोग डेक्सट्रोज को यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे थ्री टाइप्स के एनिमा, दैट इज द डायग्नोस्टिक एनिमा, इवैक्टेड एनिमा एंड रिटेन एनिमा। अब देखो हम लोग देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इवैक्यूटेड एंड रिटेन एनिमा। एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि इवैक्यूटेड एनिमा और रिटेन एनिमा के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो एक इवैक्यूटेड एनिमा हमारे पास, इवैक्यूटेड एनिमा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिटेन एनिमा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो इवैक्यूटेड एनिमा हमारे पास, सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि जो इवैक्यूटेड एनिमा है ये क्लीनिंग पर्पज के लिए हम लोग काम में लेते हैं। इवैक्यूटेड एनिमा जो है ये हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, क्लीनिंग पर्पज के लिए हम लोग काम में लेते हैं। जो रिटेन एनिमा है उसको हम लोग यूज करते हैं थेराप्यूटिक पर्पज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, थेराप्यूटिक पर्पज के लिए। अब देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वंस ए डे के अंदर, बहुत सारे टाइम्स वंस ए डे के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि मोर देन टाइम्स हम वंस ए डे के अंदर या एक डे के अंदर मोर देन वन टाइम हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये जो रिटेन एनिमा है उसको हम लोग वन टाइम यूज करते हैं। इसका एक एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट हमारे पास होगा न्यूट्रिटिव एनिमा। उस न्यूट्रिटिव एनिमा को हम लोग 3 to 4 times हम लोग यूज कर सकते हैं, या किसी किसी बुक में हम लोगों को दे रखा है 4 to 6 times भी हम लोग दे सकते हैं। अब इस इवैक्यूटेड एनिमा है, ये इवैक्यूटेड एनिमा को हम लोग होल्डिंग टाइम, अगर आपसे पूछे कि इसको होल्ड कितने टाइम तक करना होता है, ये यहाँ पे 10 minutes तक होल्ड होगा। और यहाँ पे अगर इसका होल्डिंग टाइम हमसे पूछे तो कम से कम होल्डिंग टाइम जो कितना होगा, 2 hours, कितना होगा, 2 hours। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि इस इवैक्यूटेड एनिमा का टेम्परेचर कितना होता है, इवैक्यूटेड और रिटेन एनिमा। इवैक्यूटेड एनिमा के अंदर हम लोग एडल्ट के लिए देखें, चाइल्ड के लिए देखें और इन्फेंट के लिए देखें। एडल्ट के अंदर हम लोग जो टेम्परेचर यहां पे देखेंगे, दैट इज द 105 से लेके 110 degree Fahrenheit। और चाइल्ड और इन्फेंट दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं टेम्परेचर 100 degree Fahrenheit। बल्कि अगर इस रिटेन एनिमा के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज द 98.6 degree Fahrenheit, एक्सेप्ट स्टिमुलेंट एनिमा। जो स्टिमुलेंट एनिमा होगा, स्टिमुलेंट एनिमा के अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज द 108 degree Fahrenheit, 108 degree Fahrenheit। इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज द स्टिमुलेंट एनिमा जिसका टेम्परेचर होता है 108 degree Fahrenheit। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम लोग काम में लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर कितना अमाउंट हम लोग सॉल्यूशन हम लोग यहां पे यूज करेंगे, देखो वही हमारे पास एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट, देखिए डियर जो एडल्ट हमारे पास होगा उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं 500 ml से लेके 1000 ml। यहां पे चाइल्ड में यूज करते हैं 250 to 500 ml, और इन्फेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं लेस देन 250 ml। और इसके अंदर हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एडल्ट के अंदर 100 से 150 ml, चाइल्ड के अंदर हम लोग यहां पे यूज करेंगे दैट इज द 50 to 100 ml, और इन्फेंट के अंदर हम लोग यूज करेंगे लेस देन 50 ml। अब देखो अगर हाइट ऑफ आईवी स्टैंड की पूछे, इवैक्यूटेड एनिमा में अगर आप लोगों को हाइट पूछे आईवी स्टैंड की, तो होगा 18 inch, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 45 centimeter। और रिटेन एनिमा के अंदर जो आईवी स्टैंड होगा उसका साइज होगा दैट इज द 8 inch, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 20 centimeters। अब देखो हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। देखो प्रोसीजर की बात करेंगे जब हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए रेक्टल कैथेटर। अब रेक्टल कैथेटर की साइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेक्टल कैथेटर हम लोग बात करते हैं रेक्टल कैथेटर की। देखो रेक्टल कैथेटर, देखो रेक्टल कैथेटर की जब हम लोग बात करेंगे, जो एडल्ट है, चाइल्ड है और इन्फेंट है, कि रेक्टल कैथेटर हम लोग कितने साइज का लेंगे, तो एडल्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं 22 to 30 French का हम लोग यूज करते हैं, चाइल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं 14 to 16 French का, और यहां पे जो इन्फेंट है, इन्फेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं 10 to
फ्रेंड्स का, अगर आपसे पूछे कि आइडियल साइज, हम लोगों से पूछे तो अगर एडल्ट के लिए पूछे तो आइडियल साइज होगा 22 फ्रेंड्स, और इन्फेंट के लिए आपसे पूछे तो वो आइडियल साइज होगा दैट इज दैट 12 फ्रेंड्स। अब देखो उसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए, 2% जाइलोकेन जेली चाहिए, हम लोगों को ग्लव्स चाहिए, आईवी स्टैंड चाहिए, उसके अलावा हमारे पास क्या चाहिए, बेड पान होना चाहिए। और पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा होगा सिम्स पोजीशन, उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि एनिमा के लिए पोजीशन कौन सा देते हैं दैट इज द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन का फायदा हमारे लिए क्या होगा कि जो रेक्टम है उससे जो सिग्मोइड कोलन है वो नीचे की तरफ होगा, तो ग्रेविटी से इजिली फ्लूड वहां पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर एनिमा के अंदर जब एनिमा हम लोग दे रहे पेशेंट को, हमने बोला रेक्टल कैथेटर की साइज हमने पढ़ ली, रेक्टल कैथेटर के बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो जेली वगैरह यूज कर लेंगे, उसके बाद में जो जाइलोकेन जेली है वो हम लोग जाइलोकेन जेली 2% हम लोग रेक्टल कैथेटर पे अप्लाई करेंगे। और कितना कैथेटर हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे, देखो एडल्ट के लिए जो कैथेटर है, एडल्ट में जो रेक्टल कैथेटर है वो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं 3-4 इंच, नेवर एडमिनिस्टर मोर देन 4 इंच। चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं 2-3 इंच, और इन्फेंट होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 1 से लेके 1.5 इंच तक हम लोग एडमिस्टर करते हैं। अब देखो जब पेशेंट के हम लोग रेक्टल कैथेटर एडमिस्टर करते हैं, तो जब रेक्टल कैथेटर एडमिस्टर कर रहे हैं उससे पहले नर्सिंग एडवाइस की बात करें तो पेशेंट को हम लोगों को बोलना है कि आपको एक्सेल करना है, उसको माउथ से एक्सेल करने के लिए बोलते हैं। एक्सेल करने का फायदा क्या होगा, जो रेक्टल स्पिंक्चर वो रिलैक्स होगा और जो रेक्टल कैथेटर वो इजीली हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, अगर जब हम लोगों ने एनिमा एडमिनिस्टर करना स्टार्ट किया तो पेशेंट हम लोगों को कंप्लेन कर रहा है कि उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तब हम लोगों के लिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे बनेगी कि 30 सेकेंड के लिए हम लोगों को उस एनिमा को रोकना है, उसके बाद में वापस से उसको स्टार्ट हम लोगों को रीस्टार्ट करना है, और जब रीस्टार्ट करेंगे दैट शुड बी स्टार्टेड एट स्लो रेट। दूसरा, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिए थे, इट्स ऑल अबाउट दी एनिमा। देखो इस एनिमा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे पास। पहला, इवैक्टेड एनिमा का हाइट कितना होगा, रिटेन्ड एनिमा का हाइट कितना होगा। दूसरा, हम लोगों के पास टेम्परेचर कि इवैक्टेड एनिमा में एडल्ट में 105 से लेकर 110, चाइल्ड और इन्फेंट में 100 डिग्री, और रिटेन्ड एनिमा में जो टेम्परेचर होगा 98.6 डिग्री, एक्सेप्ट स्टिमुलेंट एनिमा जिसमें टेम्परेचर होगा 108 डिग्री। सोल्यूशन की बात करेंगे तो इवैक्टेड एनिमा में एडल्ट में 500 to 1000 ml होगा, चाइल्ड के अंदर हमारे पास होगा 250 to 500 ml, और इन्फेंट के अंदर होगा लेस देन 250 ml। अगर इसके अंदर रिटेन्ड एनिमा के अंदर हम लोग बात करेंगे तो एडल्ट में देंगे हम लोग दैट इज द 100 to 150, चाइल्ड के अंदर देंगे हम लोग 50 से लेके 100, एंड इन्फेंट के अंदर हम लोग देंगे लेस देन 50 ml। दूसरा, रेक्टल कैथेटर की साइज कितना होगा, एडल्ट के अंदर हम लोग साइज यूज करते हैं 22 से लेके 30 फ्रेंड्स तक, चाइल्ड के अंदर हम लोग यूज करते हैं 14 to 16 फ्रेंड्स का, और इन्फेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं 10 to 12 फ्रेंड्स का। अब ये जो रेक्टल कैथेटर वो इंसर्ट कितना करते हैं, एडल्ट में हम लोग करेंगे 3 to 4 इंच, चाइल्ड में हम लोग करेंगे दैट इज द 2 to 3 इंच, और इन्फेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं दैट इज द 1 to 1.5 इंच। ये था पूरा रिलेटेड टू एनिमा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।